चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं भूल गई थी कि क्वेश्चन नंबर 3 हुआ नहीं है, तो पहले हम 4 कर लेते हैं फिर 3 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 के लिए। ठीक है, तो फाइंड द जीरोज। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम करेंगे पी एक्स इक्वल जीरो लेकर आपको चलना होगा। ठीक है, यानी कि वी हैव टू सॉल्व पी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो पी एक्स इक्वल हमें दिया एक्स प्लस 5 इक्वल टू, हम जीरो लेंगे तो यहीं पर हम करते हैं। तो देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, हम 5 को कहाँ ले जाएंगे, जीरो के पास में, तो एक्स इक्वल हमें मिल जाएगा माइनस 5, और ये आपका होगा आंसर। समझे, मतलब सिंपल सा है, बस जीरो रख के हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन। सेकेंड देखते हैं इसका। सेकेंड है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पी एक्स इक्वल जीरो है और पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करती हूँ तो एक्स यहीं रहेगा, जो 5 है वहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल यहाँ पर आपको मिल गया 5, मतलब 5 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स माइनस 5 का। ठीक है, और ये एक्स प्लस 5 का। थर्ड देखते हैं, इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, सो सॉल्व पी एक्स इक्वल आप जीरो लेंगे, पी एक्स इक्वल आपको दिया है 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है, सो 2x यहीं रहेगा, जो आपका 5 है और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, हम x यहीं पे रखेंगे, माइनस 5 आपका 2 यहाँ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि माइनस 5 अपॉन 2 इज जीरो ऑफ 2x प्लस 5। 3 और 4 को स्किप करते हैं, ये आपसे बन जाएगा, हम 6 करते हैं। ठीक है, पी एक्स इक्वल है ए एक्स, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन पी एक्स इक्वल जीरो है, तो पी एक्स है ए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स यहीं रहेगा, ए जीरो अपॉन ए आएगा तो आपको जीरो ही मिलेगा, तो आपके यहाँ पर आ गया एक्स इक्वल जीरो, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 भी देख लेते, इसके जैसा ही है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, पी एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी और डी आर रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन, तो पी एक्स की वैल्यू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, सी एक्स यहीं रहेगा, डी जाके यहाँ पर माइनस का बन जाएगा, फिर एक्स अकेला चाहिए हमें तो माइनस डी सी आके अपॉन में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये। तो ये होगा क्वेश्चन 4। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको दिया पी एक्स इक्वल 3x प्लस 1, जहाँ पर x की वैल्यू रखी है माइनस 1/3, तो आपको बताना है कि x इक्वल माइनस 1/3 पर ये जो पॉलीनोमियल्स है क्या वो जीरो है या नहीं। ठीक है, तो देखिए x इक्वल माइनस 3, इसका मतलब सीधा सीधा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो हम यहीं पर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए पी एक्स इक्वल है 3x प्लस 1, ठीक है, और हमें x इक्वल माइनस 1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो जहाँ जहाँ भी पी एक्स है वहाँ पर हम पी एक्स की वैल्यू रखते हैं 3 माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब 3 का माइनस में 1 क्या, तो माइनस 3/3 प्लस 1, माइनस 3 और प्लस 3 अपॉन में जैसे कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या बचा, 0। तो इससे ये क्लियर होता है कि माइनस 1/3 इज़ अ ज़ीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन सेकेंड, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, इसके लिए x इक्वल आपको दिया हुआ है 4/5। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पी एक्स यानी कि पी की जगह एक्स की जगह आपको 4/5 रख देना है, 5 × 4/5, ठीक है, माइनस पाए, तो देखिए क्या होगा, या तो आप 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, अपॉन में एक जैसे नंबर हो तो कैंसिल हो जाते, 4 − 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम चाहें तो 4 पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, 22/7 होते हैं, 22/7, अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 28 − 22, और अपॉन में आपका आ गया 7, 22 से 28 माइनस किया तो बचा कितना, 6/7, तो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो ये होगा कि 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ओके, चलिए अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, इसके लिए एक्स इक्वल माइनस वन है और एक्स इक्वल टू है। तो पहले हम वन के लिए करते हैं, तो पी वन इज इक्वल टू वन प्लस वन और वन माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर माइनस वन है, सॉरी माइनस वन। चलिए, तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो में आप किसी भी नंबर को, क्योंकि वन माइनस टू माइनस वन आपका आएगा ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में कि माइनस वन इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ओके। चलिए, अब सेकेंड हमारा क्या है, टू के लिए। तो हम टू के लिए भी निकालेंगे, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ हमने रखा टू, टू प्लस वन ब्रैकेट टू माइनस टू ब्रैकेट टू प्लस वन थ्री, एंड टू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो ऑलवेज, मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों यहाँ पर आपके जो है वेरीफाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि टू इज़ अ ज़ीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग या तो सेवन्थ आप कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, कहाँ है क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो रखी जाएगी माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, जहाँ x है वहाँ पे आप रख दीजिए माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल x की जगह प्लस एम। तो देखिए, l l आप कैंसिल कर सकते हैं, अपॉन में है, ठीक है। तो माइनस एम प्लस एम, अब देखिए m माइनस का है ये प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिल गया ज़ीरो। तो आप लिख सकते हैं आंसर में कि माइनस एम अपॉन एल इज़ आ ज़ीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब हम कर लेते हैं सिक्स, आई थिंक सेवन आपसे बन जाना चाहिए, फिर भी मैं करती हूँ, ठीक है, सेवन, क्योंकि रूट वाला है तो कई लोग देख के घबरा जाएंगे। पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल यहाँ पर रखना है आपको वन टाइम माइनस वन अपॉन रूट थ्री और वन टाइम टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। चलो, तो पहले करते हैं वन अपॉन रूट थ्री के लिए। तो देखिए, पी एक्स की जगह माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखते हैं, थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, रूट थ्री का स्क्वायर हमेशा थ्री ही होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आप पर बता देती हूँ। ये लिखा है रूट थ्री, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री टू टाइम। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर एक जैसे नंबर रूट में होते हैं तो उनका आंसर रूट हट जाता है और वही आता है, ठीक है। यानी कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल एक्स ही आएगा, ठीक है। या तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव, हमेशा फाइव ही आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो एक जैसा, बड़ा भी ले सकते हैं, रूट ट्वेंटी फाइव, तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, थ्री अपॉन थ्री है, या तो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये थ्री से ये थ्री मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे मिला वन माइनस वन, वन माइनस वन इक्वल टू हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज़ आ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब सेकेंड के लिए भी करते हैं। सेकेंड का क्या है, टू रूट थ्री के लिए, पी टू अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन। चलिए, तो थ्री टू का स्क्वायर फोर ही होगा, रूट थ्री का मैंने आपको बताया रूट का स्क्वायर हमेशा वो रूट हट जाता है, वही संख्या आती है माइनस वन। आगे चलें तो थ्री से थ्री आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा फोर माइनस वन, और फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर आप लिखेंगे टू अपॉन रूट थ्री इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पी एक्स,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, और उसके बाद मैंने फोर्थ आपको बताया, सिक्स बताया एंड सेवन बताया। इसके बाद आपका एट्थ है, वो आप खुद से करें, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।